बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BCN न्यूज की एक नई पेशकश टैरो किस्मत कनेक्शन में मैं दिशा सभी का स्वागत करती हूँ। अपने भविष्य को जानने की, उसको समझने की रुचि किसमें नहीं होती। कई बार हमें हमारे जीवन में कौन सा पद चुनना चाहिए, कौन सी राह पर जाना सही रहेगा, इस विषय के बारे में नहीं पता होता है। उस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य श्रद्धानंद मोहन जी। आचार्य जी के बारे में बताना चाहूँ तो बीते 20 सालों से आचार्य जी को ज्योतिष शास्त्र का अनुभव है, वे अंक शास्त्र के बारे में जानते हैं, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ है और टैरो कार्ड रीडर यानी कार्ड पढ़कर भविष्य बताते हैं। आचार्य जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। कहीं ना कहीं टैरो कार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत लोग इस टर्म के बारे में जानते हैं कि टैरो कार्ड होता है, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर टैरो कार्ड असल में होता क्या है, इसका इतिहास क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं कि आखिर टैरो कार्ड है क्या और इसका इतिहास क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले हमारा ये शो ज्योतिष शास्त्र का है, टैरो कार्ड का है। इस नियम से मैं भगवान गणपति और हनुमान जी के चरणों में नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा ये शो लोगों को फायदेमंद रहे, इसके चलते एक पुष्पांजलि चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ भगवान गणपति के। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि स्म प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। ओम अंजनी गर्भसंभूतो वायुपुत्रो महाबल कुमार ब्रह्मचारी तस्मै श्री हनुमते नमः। हाजी, देखिए पहली बात आपने ये पूछा कि टैरो कार्ड होता क्या है। देखिए, टैरो कार्ड एक अपना भविष्य बताने का तरीका है, जिसके द्वारा हम कार्ड्स के द्वारा, पत्तों के द्वारा, चुने गए व्यक्ति के द्वारा जो पत्ता उनको मिलता है या हमको प्रश्नकर्ता को मिलता है, तो उसके द्वारा हम उनका वो पत्ते पढ़ के या कार्ड पढ़कर हम उनको भविष्य बताते हैं, पहली बात। दूसरा कैसा है, इसका प्रचलन कैसे हुआ और इसके इतिहास कैसा है। देखिए, ये टैरो कार्ड है हमारे देश का सबसे पुराना एक ज्योतिष शास्त्र जैसा ही एक अपना भविष्य बताने का एक तरीका है, लेकिन पहले के जमाने में इसको तारापत्र बोला जाता था इतिहास कालों में। वो तारापत्र अपना समझो महाभारत का काल या चंद्रगुप्त मौर्य का काल में पढ़ा जाता था टैरो कार्ड, लेकिन जब अलेक्जेंडर हमारे देश में आए तो वो जब यहाँ से गए तो तारापत्र लेके गए, वो विदेश में तारापत्र उनको बोलने से थोड़ा सा हिचकिचाट हुआ, दिक्कत हुई। हाँ। तो उसके लिए उन्होंने इसको तारापत्र को टैरो कार्ड बना दिया, क्योंकि उधर पत्र को या पत्ते को उधर कार्ड करके बोला जाता है। तो इसका इतिहास ऐसा है, और मुगलों के जमाने भी इसको देखा जाता था, तब इसका नाम था गंजीफा करके बुलाया जाता था, लेकिन ओरिजिनल में कैसा है ये अपना देश का ही एक विद्या है, भविष्य विद्या। लेकिन जब ओशो भगवान आचार्य रजनीश इस देश में आए, उन्होंने विदेशों में बहुत सारा संचार किया, तब इन्होंने टैरो कार्ड का पुनर्निर्माण किया, जो हम ओशो टैरो कार्ड के द्वारा आपको भविष्य बताने में हम आपको ये मार्गदर्शन देंगे। ओके। कहीं ना कहीं इसका प्रचलन भी उसी तरीके से हुआ, मतलब यहाँ से भारत देश से वो आगे गया, उसके बाद ओशो इन्होंने इसका वहाँ पे बहुत प्रचलन किया और अभी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कहीं ना कहीं। इस बारे में मतलब आपने जितनी भी जानकारी दी, कहीं ना कहीं सच में दर्शकों के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही होंगी। दर्शकों, जिस तरीके से हमने बताया था कि आचार्य जी भविष्य मार्गदर्शन करेंगे टैरो कार्ड के थ्रू, और आपके जितने भी सवाल होंगे आप हमें व्हाट्सएप पे या मेल पे भेज दीजिएगा, तो उन्हीं में से कुछ सवाल आचार्य जी हमारे सामने आए हैं। सबसे पहला सवाल है छिंदवाड़ा से प्रियांशी वंजारी का। ये जर्नलिज्म की फील्ड में खैर अभी पढ़ाई कर रही है, तो ये जानना चाहती है कि इस फील्ड में उनको इतना मतलब कितना स्कोप है और इनका करियर कैसा रहेगा। अवश्य, देखिए इनका जर्नलिज्म का कोर्स जो ये सोच रहे हैं ये सही है, इनको इंटरेस्ट भी है उसमें, लेकिन इनके अभी जो परिपूर्णता आया नहीं है उसमें। परिपूर्णता लाने के लिए इनको और फोकस्ड होना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा इन्होंने अनुसंधान कर उसको और सीखने का प्रयास करना चाहिए। और
इसके साथ में इनके जीवन में एक इशू है जो इनको सॉल्व करना चाहिए, जिसको जर्नलिज्म करने के लिए इनको उस चीज का निवारण करना बहुत जरूरी है। तो वो जो चीज है, एक चीज है जो मेन एक पॉइंट है जिसके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए, इधर उस चीज का सोल्यूशन भी निकालना है, और जर्नलिज्म में और थोड़ा अपडेटेड होंगे तो अवश्य बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बनने का योग है इनको। ओके, हमारे अगले सवाल की ओर हम रुख करते हैं। नागपुर से है ये मान गंगवानी, इनका नाम है, और इनका ये सवाल था कि कपड़े के व्यवसाय में, इनका एक कपड़े का व्यवसाय है, तो उसमें बरकत कैसे होगी? देखिए, अभी मान गंगवानी साहब को मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, हालांकि इनका बहुत मेहनत करते हैं ये इनके कामकाज में बरकत पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको वो उन्नति नहीं मिल पा रहा जो ये कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें एंड मोमेंट में गड़बड़ होता है, या इनको सफलता मिलने के पहले ऐसा कुछ घटना घटता है जिसकी वजह से इनको सफलता मिलता नहीं है, तो परेशानी इधर इनको है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए मेरा सलाह यही है कि इनके दुकान में जो कैश बॉक्स है, कैश बॉक्स के अंदर लाल कपड़ा बिछा के रखें, और हर शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी का अगर दर्शन करेंगे ये रेगुलरली, तो इनको जो व्यापार में रुकावट है वो अवश्य कम होगा, लेकिन इनके व्यापार में जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो और ज़्यादा संकट बढ़ने के योग बनते हैं। ओके, अगले सवाल की ओर रुक करते हैं। नागपुर से ये सवाल अखिलेश भारद्वाज जी, इनका इनका सवाल ये था कि नौकरी में बढ़ोतरी कैसी होगी, और इन्होंने एक और सवाल पूछा था कि उन्हें व्यवसाय करना है तो कौन सा व्यवसाय करना चाहिए और कब से इसकी शुरुआत हो सकती है। देखिए, पहली बात तो इनका जो प्रश्न है, व्यवसाय करना है, क्या करना है, किस प्रकार का करना है, उसमें कैसा है, अगर ये चीज़ों को मार्केटिंग संबंधित या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का हो गया, या फिर लोगों को मैनेजमेंट के द्वारा अगर उस व्यवसाय में जाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा बरकत रहेगा, उनको ज़्यादा सफलता मिलेगा। अगर ये फील्ड में, किस फील्ड में, देखिए अभी ज्योतिष शास्त्र में हमको टैरो कार्ड के द्वारा हमें ये किस फील्ड में अपने को मालूम नहीं, लेकिन ये जो कार्ड निकला है उस कार्ड के द्वारा अगर HR के लाइन में जाते हैं प्रोफेशनली ऑक्यूपेशन में, तो उसमें इनको अच्छा सफलता मिलेगा। अगर एक काम काज अपना खुद का कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो इसके अंदर इनको मार्केटिंग का हो गया, नया इनोवेटिव चीजें करने का हो गया, उसमें उनको सफलता ज्यादा मिलेगा। ओके, कुही से है अगला सवाल भास्कर अतकरी जी, इनका इनके दो बच्चे हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनके दोनों बच्चों का भविष्य किस तरीके से रहेगा, कितना उज्ज्वल रहेगा, इस बारे में। देखिए, इनका जो एक पहला वाला बच्चा है उनके बारे में एक बात ऐसा है कि वो बहुत आलोचना करता है, बच्चा बहुत डीप थिंकर है, लेकिन उसमें कैसा है, उसने थोड़ा अपने आप को मान लिया, मेरे साथ ऐसा है, मैं ऐसे ही करूँगा, मेरे साथ ऐसा होगा, गलत होगा, ये ऐसे धारणाएं उसने बना के रख लिया मन में। उन धारणाओं से जब उस बच्चे को हम बाहर निकालेंगे, थोड़ा अच्छे काउंसिलर के पास लेके जाएंगे, अच्छे कोई इनके जो सलाहकार है उनके पास लेकर जाकर बच्चों को थोड़ा काउंसिलिंग कराएंगे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये बच्चा अपने धारणाएं बना के रखा है, जिसके अंदर ये बच्चा उसी के अंदर थोड़ा सा उलझा हुआ, इससे बच्चे को बाहर निकालना है, इसके कमियों को दूर करने जैसा इसको थोड़ा सा एनकरेजमेंट देना चाहिए, तो ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा। दूसरा वाला बच्चा जो है बहुत स्फूर्तिवान है, टैलेंटेड है, फास्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन चंचलता बहुत है बच्चे में, और वो असल मायने में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा कैसा सीरियस नहीं है जीवन को लेके। सीरियसनेस अगर बढ़ जाए इस बच्चे में तो ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा, बहुत जीवन में इसका उज्जवल भविष्य है। सीरियसनेस होना जरूरी है, मैच्योरिटी लेके आना जरूरी है। बच्चा हो सकता है कि 8 साल का हो सकता है 15 साल का हो, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा मैच्योरिटी, वो जिस काम में है, पढ़ाई के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, टैलेंट के क्षेत्र में, बच्चे को थोड़ा सा मैच्योरिटी लाना कोशिश करना चाहिए माँ बाप ने, तब ये बच्चा अच्छा करेगा। इनफैक्ट दोनों बच्चे का भविष्य भी अच्छा है। मैं बोले हुए पॉइंट्स पे थोड़ा सा आप काम करें, देखें आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल अवश्य होगा। ओके,
हमारा अगला सवाल है नागपुर से है, समता मते इनका इनका सवाल ये है कि उन्हें उनकी लड़की के भविष्य के बारे में जानना चाहती थी वो, कि किस तरीके से उनकी लड़की का भविष्य रहेगा। देखिए इनका भविष्य उज्जवल है, लेकिन थोड़ा सा ये कुछ पाना चाहते हैं, जीवन में करना चाहते हैं, उस करने में उनका विलंब बहुत हो रहा काम में। तो विलंब के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि इनको थोड़ा सा जीवन में पेशेंस रखना जरूरी है लड़की को, और थोड़ा सा वो जहाँ पे जो काम कर रहे हैं उस काम के स्थान पे थोड़ा सा पंक्चुअलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरा, इनको गणपति हो सके तो, अगर गणपति को मानते हैं तो गणपति भगवान के मंदिर में जाकर हर बुधवार को 11 दुर्वा अवश्य चढ़ाने का कोशिश करें, इससे इनका भविष्य अवश्य इनका भविष्य उज्जवल रहेगा। ओके, हमारा ये आखिरी सवाल है, भंडारा से है ये, संदीप सुदामी इनका नाम है, और इनकी मतलब समस्या ये है कि इनके पास पैसे तो आते हैं पर जैसे कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है, ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा है, पैसे आते हैं इनके पास पर वो रहते ही नहीं या फिर बचते ही नहीं है, तो इसके लिए देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पैसे आते हैं बचते नहीं हैं इनके पास, क्योंकि इनको अगर असल मायने में बोला जाए प्लानिंग इनका इकोनॉमिक प्लानिंग सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये चीज़ों को समेट नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि इनके पैसे आ रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, या दूसरा पैसे आ रहे हैं तो दूसरे जो अनावश्यक खर्चे हैं उसमें जा रहा है इनका पैसा। तो इनको है थोड़े चीज़ों को सीमित करना, थोड़े चीज़ को बांधना जरूरी है। जैसे नदी का पानी बहकर आता है तो हम बांध बांधने से वो हमारे मुश्किल के समय में अपने को काम आता है। तो मेरा यही मानना है कि इनको थोड़ा सा पैसे के लिए दिक्कत जो जा रहा है उसके लिए प्लानिंग सही करें। दूसरा, हो सके तो हर गुरुवार को थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डालकर पानी में नहाने का कोशिश करें हर गुरुवार को, तो इनका भविष्य उज्ज्वल बनेगा पैसे के मामले में। और हो सके तो तीन कौड़ियां अपने गले में पीले रंग से रंग के गुरुवार के दिन रख दे, इनका पैसे के प्रॉब्लम बहुत सारा जो इनको हो रहा है उसमें इनको समाधान जरूर मिलेगा। तो दर्शकों ये थे सवाल जो हमें व्हाट्सएप या मेल के जरिए आए थे, और इनका आचार्य जी ने सोल्यूशन बताया है। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ सवाल है जिनका जवाब जानना है आचार्य जी से, तो व्हाट्सएप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए कर दीजिएगा मैसेज, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया ही हुआ है, आप इस पे अपनी समस्या बता सकते हैं, हम उनमें से चुनेंगे और आचार्य जी को वो सारे सवाल बताएंगे, जिसके बाद वो आपको पथ प्रदर्शित करेंगे और उसका सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल हमारे इस आज की खास पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है, एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर।